मामला में भी हाईकोर्ट में पुश हो गया। तो अभी भी हमारा यही कहना है, बीजेपी पार्टी को हम समर्थन देना चाहते हैं, क्योंकि जेएमएम और उसके साथ जुड़े हुए कांग्रेस, लालू पार्टी आदि 3 वर्षों में दिखा दिया, ये आदिवासी के भी नहीं है, मूलवासी के भी नहीं है, संविधान कानून को भी नहीं मानते हैं। तो विकल्प हमारा क्या है? हम तो एक गैर राजनीतिक संस्थान है, आदिवासी संघल अभियान। तो हमको माननीय द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, और बीजेपी पार्टी को भी झारखंड में हम यही संदेश देना चाहेंगे, आप लोग आदिवासी एजेंडा को लेकर आगे बढ़ो, आप आदिवासी के मूल मुद्दों को लेकर बोलो, तभी आप शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम को परास्त कर सकते हो। हम चाहेंगे बाबूलाल मरांडी जी अगला मुख्यमंत्री बने, हम लोग खुलकर साथ देंगे, लेकिन हमको सरना धर्म कोड चाहिए, मरंग गुरु चाहिए, और आदिवासियों को जो संविधान कानून में अधिकार दिए गए हैं, हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो हमको मिलना चाहिए। होगा तो हमको एक मजबूरी की स्थिति में, मरता क्या ना करता वाली स्थिति में हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि हमारी अस्तित्व पहचान, हिस्सेदारी की रक्षा हमको करना है। पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया था, अभी भी करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा है कि झारखंड बने 22 साल हो गया, अनेक पार्टियों को मौका मिले सरकार बनाने का, लेकिन ना स्थानीय नीति बना, ना आरक्षण नीति बना, ना नियोजन नीति बना। अभी आज के पेपर स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट दीपक प्रकाश ने कहा है कि ये जेएमएम की सरकार जल्दी नया एक नियोजन नीति बनाओ, लेकिन इससे ये पुष्ट होता है कि जेएमएम तो नियोजन नीति नहीं बना सकती, हमको डाउट है, क्योंकि उसका स्थानीय नीति भी फुश हो गया, नियोजन नीति भी फुश हो गया। तो ऐसी स्थिति में बाकी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, या जो भी पार्टियां हैं, उनको कोई प्ररूप लाकर आना चाहिए, तभी तो लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रखंडवार नियोजन नीति का प्ररूप हम लोगों ने बनाया है, इसको हमने 23 अगस्त 2013 को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया था, पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे। आज मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुना आज कैबिनेट का बैठक भी है, उन लोग सुने मीडिया के मार्फत, इस पर विचार करें। झारखंड सरकार के पास जितनी सरकारी नौकरियां हैं या गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को देना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना देना चाहिए, प्रखंड के कोटा को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरना चाहिए, और उस प्रखंड में जो जातियों के आबादी का अनुपात है, एसटी एससी ओबीसी आदि का, उस हिसाब से उसको बांट देना चाहिए। तो 2-3 महीनों में ये जो बबेला है, बखेड़ा है, इसका समाधान निकल जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, कोई दूसरा चीज़ ले आएंगे तो फिर कोर्ट में वो फुस हो जाएगा, या वो सेंट्रलाइज होगा नौकरी बांटना, तो फिर घूसखोरी, भ्रष्टाचारी होगा, फिर उसका भी पेंडिंग चलता रहेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।